देखिए, बदलते परिवेश में आज की तारीख में चूंकि गूगल का नेट का ज़माना है, पब्लिक भी अवेयर हो रही है धीरे धीरे, और एक कहीं ना कहीं उनके अंदर उत्तेजना का बहुत ज़्यादा भाव आ गया है। और चूंकि हम लोग इतनी विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, एक एक डॉक्टर हमारा 48 घंटा से 80 घंटा वीक में काम कर रहा है, हम लोग भी ओवर बर्डन हैं। बावजूद इसके हमारी पूरी सहानुभूति और पूरा हम अपने मनोयोग से हम अपने जो भी मरीज आते हैं उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। जनता हमें भगवान या भगवान का स्वरूप मानती है, इसके लिए उनका धन्यवाद। परंतु वास्तव में हम भगवान नहीं हैं, हम केवल प्रयास कर सकते हैं। मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है। असुरक्षा की भावना इतनी ज़्यादा हो गई हमारे अंदर कि जिन पेशेंट्स को पहले हम इजीली जिला अस्पताल या सीएससी लेवल पर ट्रीट कर लेते थे, उनको हम रेफ़र करना बेहतर समझते हैं। और रेफ़र करने के दौरान जो रास्ते में समय लगता है वो मरीज के लिए बहुत ही हानिकारक भी होता है कई परिस्थितियों में। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखे, जनता हमारा साथ दे, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसको अन्य विभागों की तरह से नहीं डील किया जा सकता है। और दुर्भाग्य यह है कि आज़ादी के बाद से आज तक एक व्यापक और दूरगामी स्वास्थ्य नीति आज तक नहीं बनी है। हमें शुरू से ये डिसाइड करना चाहिए था सरकारों को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो अपने डॉक्टरों को आकर्षित करने के लिए सेवाओं में 35% नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे रही है। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश को हम एक राज्य की तरह ना देखें, ये विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है आबादी के हिसाब से। और एक 22 करोड़ की जनता को कैटर करने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्टरों की ज़रूरत है, और वो डॉक्टर तभी आएंगे जब आप उनको कुछ स्पेशल चीज़ें देंगे, कुछ स्पेशल लाभ देंगे। विगत सरकारों ने अभी शुरू भी किया है, पीजी कोर्सेज में हमारे बच्चे जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, अभी कुछ स्पेशल डिप्लोमा शुरू होने वाले हैं। तो जब तक आप उनको कैरियर प्रोग्रेशन और पे एंड पर्क्स में दूसरे राज्यों से आगे या कम से कम उनसे बराबर नहीं रखेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि नए बच्चे इन सेवाओं के प्रति आकर्षित होंगे जो हैं।